गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज की मेरी टॉपिक है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो हमारी जनसंख्या वितरण है, यानी कि जनसंख्या के हमारे बांटा गया है या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तीन कारक होते हैं। देखिए, पहला होता है भौतिक कारक, दूसरा होता है आर्थिक कारक और तीसरा होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। मुख्यतः तीन ही होते हैं। तीनों को बारी बारी से हम जानेंगे कि भौतिक कारक के अनुसार क्या क्या होते हैं जो हमारे जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए भौतिक कारक के अंतर्गत देखिए स्थिति आता है, जलवायु आता है, भू आकृति आता है। यानी कि भौतिक कारक के अंतर्गत तीन चीज ऐसे हैं जो हमारे जनसंख्या वितरण और घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिसे भौतिक कारक की स्थिति है, स्थिति का मतलब होता है कि हमारी जो जनसंख्या की स्थिति कैसी है, मतलब अधिक है कि कम है, इन सब के बारे में मतलब क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जलवायु क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, हर जगह हर राज्य की हर जगह की जो जलवायु जलवायु होती है अलग अलग होती है। कहीं कहीं पे ज़्यादा ठंडक पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे न ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है न ज़्यादा अधिक ठंडक पड़ती है। तो ये सब जो होता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु के का प्रभाव जनसंख्या के वितरण में भी उपयोगी है। यानी कि जैसा आप देखेंगे जहाँ लोगों के लिए जलवायु अनुकूल होती है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, और जहाँ पे लोगों की प्रतिकूल जलवायु होती है तो वहाँ की जनसंख्या क्या करती है, कम निवास करती है। यानी कि ऐसे भी आप जानो कि देखो देखते हैं कि जहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के मौसम में वहां पे लोग जाना कम पसंद करते हैं, और जहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, तो वहां पे लोगों की जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं जो जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब देखिए भू आकृति, भू आकृति मतलब भूमि का आकृति। यानी कि आप देखते हैं कि कभी कहीं पे जमीन जो होती है एकदम समतल होती है, अच्छी होती है कि लोग घर और अच्छा से बना लें, खेती बाड़ी कर सकें। ठीक है, और कहीं कहीं जमीन ऐसी होती है जो पहाड़ी होती है, पथरीली होती है, ना वहाँ पे हम खेती बाड़ी आराम से कर सकते हैं ना घर बना सकते हैं, तो तमाम समस्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पे भू आकृति अच्छी हो, यानी कि जहाँ पे लोगों के लिए हर एक सुविधा होगा, सब कुछ बना सकते हैं, रह सकते हैं, अपना अनाज उगा सकते हैं, रहने के लिए अच्छा अच्छा घर बना सकते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है वैसे स्थान पे। और जहाँ पे इन सब की दिक्कत होती है वहाँ पे जनसंख्या क्या करती है, कम निवास करती है। तो इस तरह से भू आकृति भी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है। अब दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जो होता है खनिज और ऊर्जा। खनिज का मतलब जैसे कि ऐसा कुछ स्थान होता है जहाँ पे जैसे खनिज निकले, जैसे तेल उत्पादन हो, मतलब आपको सुख सुविधाएं मिले, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। और दूसरा होता है मिट्टी है, मिट्टियाँ मतलब जहाँ जैसे उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ लोग ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कि हम अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे मिट्टी खेती के प्रतिकूल हो, अनुकूल न हो, तो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बंजर जब भूमि होती है तो वहाँ पे लोग अपना ये उपजाऊ कर ना पाएंगे, न उनका जीवन यापन हो पाएगा, इसलिए वो क्या करेंगे, इसलिए उनको रहने में वहाँ पे दुविधा होती है। तो इस तरह से आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, नगरीकरण, औद्योगिकरण इस सब आते हैं। सामाजिक व्यवस्था का मतलब कि सामाजिक जो व्यवस्था होती है, जो हमारे जैसे क्षेत्र में ये चलता है, परंपराएं से संबंधित बातें होती हैं, उन सब का इसका ध्यान दिया जाता है।
राजनीतिक व्यवस्था मतलब जैसे जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में कानून चलता है उसके बारे में होता है। नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है कि जैसे अपने जो रहने का स्थान है उसका सुंदरीकरण करना, साफ सुथरे करना, ठीक है। और औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि उद्योग धंधों से होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में उद्योग धंधा ज़्यादा होते हैं, यानी कि जैसे कल कारखाने स्थापित हों तो वहाँ पे जो जनसंख्या होती है ज़्यादा निवास होती है, क्योंकि उस जो औद्योगिकीकरण में अपना हिस्सा लेंगे यानी उसमें अपना नौकरी चाकरी करके लोग जीवन यापन करते हैं और वहीं पास में ही बस जाते हैं, निवास कर जाते हैं कि उनको आने जाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इस तरह से ये सब जो चीज़ें हैं वे जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताने की कोशिश किया, आपको लगभग समझ में आना चाहिए और इसके साथ साथ आप बुक लेके पढ़ भी सकते हैं उसको तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई समस्या हुई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।